मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल ऑर्डर जारी की गई है। और देखिए आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या ऑर्डर आया है इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, और सभी कैंडिडेट के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो कि रेलवे मंत्रालय ने पारित किया है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड यहाँ पे न्यू दिल्ली डेटेड 21/8/2023 लेटेस्ट सर्कुलर है, जो कि सर्कुलर नंबर यहाँ पे है द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी सारे के सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये ऑर्डर भेज दिया गया है। अब देखिए ऑर्डर क्या है, डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर्स फॉर लेवल वन पोस्ट फ्रॉम वन रेलवे टू अनदर रिगार्डिंग, यानी लेवल वन ग्रुप डी की भी भर्ती में अब यहां पे डाइवर्जन किए जाएंगे, यानी कि आरआरसी जो पैनल आएंगे उसको डाइवर्जन करके एक रेलवे जोन से दूसरे रेलवे जोन में यहां पे भेजा जाएगा, यानी कि जोन से ही अब छात्र के बदल जाएंगे। एक जोन से भरे हो फॉर्म लेकिन दूसरे जोन में अगर वैकेंसी खाली है तो उस जोन में आपकी जॉब मिल जाएगी। अब देखिए मामला क्या है, पूरा चीज यहां पे समझिएगा और इससे क्या क्या फायदे हैं। रेफरेंसेस आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सम ऑफ द रेलवे सीकिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ एक्सेस लेवल वन पैनल फ्रॉम अदर रेलवे। देखिए क्या हुआ है, अभी कई सारे जोन में फ्रेंड्स यहां पे पैनल तो बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं, कई जोन में पैनल ज्यादा है, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग छात्रों को दी नहीं जा रही है। लगातार छात्र कॉल कर रहे हैं, आरआरसी में जा रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब मिलेगी, पैनल तो आ चुके हैं, तो बोला जा रहा है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पोस्ट की सीट ही वैकेंट नहीं है, तो कैसे ज्वाइनिंग दें। हमने आरआरसी पेपर्स को फिर से यहाँ पे रेलवे बोर्ड में भेज दिया है। यहां तक कि कई सारे जोन में तो डिवीजन अलॉटमेंट कराने के बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई और यहां पे हेडक्वार्टर ऑफिस में पैनल को वापस लौटा दिया गया है। तो 4 से 5 साल हो चुके हैं, इससे पहले 2019 में ही भर्ती 1,03,000 पोस्ट पे निकाली थी, तो आखिर यहां पे अब कैसे बोले जा रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, कई सारी पोस्ट की वैकेंसी ना बताई जा रही है, इसलिए यहां पे दोस्तों यहां पे अप्रूवल मांगा है सारे के सारे आरआरसी वालों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि हमें यहां पे इस तरह की केस हो रही है, एक्सेस पैनल आ चुके हैं हमारे पास लेकिन उनको ज्वाइनिंग हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए डाइवर्जन के रिगार्डिंग हमें यहां पे जो है ऑर्डर दीजिए, अप्रूवल दीजिए। अब देखिए इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश डिटेल ऑफ सरप्लस और पैनल शॉर्टफॉल इफ एनी इन योर रेलवे अंडर सीएनआरआरसी 1/2019 एज पर द इनक्लोज्ड फॉर्मेट। इसीलिए यहां पे रेलवे मंत्रालय ने बोला कि जितने भी जोन है जहां पे सरप्लस पैनल हो चुके हैं या फिर कहीं पे शॉर्टफॉल है, यानी कि वहां पे वैकेंसी ज्यादा है लेकिन यहां पे उतने ज्यादा इंप्लॉय ही नहीं मिल पा रहे हैं, यानी वैकेंसी ज्यादा लेकिन इंप्लॉय नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे केस में सारे के सारे जोन को यहां पे डिटेल है जो कि भर के देना है। यानी कि अगर कहीं पे पैनल बहुत ज्यादा आ चुका है, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, तो ये जोन अपना डिटेल देंगे कि हमारे पास इतना ज्यादा पैनल है, कहीं पे पैनल तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन छात्र ही नहीं मिल पा रहे हैं और हाल फिलहाल में वैकेंसी ज्यादा हो चुकी है, तो यहां पे अभी और सारे छात्र को एडजस्ट कराया जा सकता है, दूसरे जोन वाले भी आ सकते हैं, यही चीजें हैं, इनको भी ऐसे करके डिटेल देनी होगी। इट इज टू बी नोटेड हेयर दैट सरप्लस पैनल वुड मीन आरआरसी पेपर्स इन एक्सेस अवेलेबल विद द रेलवे, दैट इज देयर इज नो वैकेंट नोटिफाइड पोस्ट अवेलेबल विद द रेलवे प्रेजेंटली टू एकोमोडेट दीज कैंडिडेट एंड शॉर्टफॉल वुड मीन द पोस्ट नोटिफाइड अंडर सीएनआरआरसी 1/2019 दैट विल स्टिल रिमेन वैकेंट आफ्टर एग्जॉशन ऑफ प्रेजेंटली अवेलेबल पैनल। अब यहां पे दो चीज डिफाइन किया है कि एक्सेस पैनल का क्या मतलब, सरप्लस पैनल मतलब यहां पे एक्सेस जो है यहां पे ज्यादातर सरप्लस पैनल मतलब एक्सेस कैंडिडेट अभी मिल चुके हैं पैनल में और यहां पे कोई पोस्ट वैकेंट है ही नहीं उनके पास। जैसे कई जोन बोल रहे हैं कि हमारे पास तो इतने सारे पैनल आ चुके हैं लेकिन हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वो पोस्ट इनके पास नहीं है लेकिन पैनल तो आ चुका है क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया था कि इसी जोन में आप लोग फॉर्म भरिए, यहां पे इतनी वैकेंसी है, तो किसी हालत में इनको जॉब तो देनी होगी। अब तो ये चीजें हैं कि एक्सेस पैनल यहां पे हो चुके हैं जिससे जॉब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वैकेंसी नहीं है। उसी तरह से शॉर्टफॉल मतलब बोला है कि शॉर्टफॉल मतलब कि यहां पे आरआरसी में जितनी वैकेंसी नोटिफाइड थी, मान लो कहीं पे 1000 पोस्ट नोटिफाइड थी, अगर यहां पे 1000 सीट नहीं भर पाए हैं, 900 सीट ही भर पाए हैं और पूरे के पूरे कैंडिडेट इनको मिल चुके हैं इस तरह से, तो 100 सीट तो खाली रह गई, तो ऐसे केस में ये शॉर्टफॉल माना जाएगा और इस सीट पे दूसरे जोन वाले छात्र को एडजस्ट कराया जा सकता है डाइवर्जन के टर्म में। तो यही चीजें हैं जो कि यहां पे अपडेट आ चुका है और इसका पूरा का पूरा ब्यौरा दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने मांग लिया है। अब देखिए इस पे दोस्तों काम भी शुरू हो चुका है और अर्जेंट रेलवे बोर्ड रेफरेंस है जो कि इस तरह से करके सबसे पहले हुबली जोन वालों ने, साउथ वेस्टर्न रेलवे वालों ने इस तरह से अपडेट जारी करवा दिया है 22/8/2023 के डेट में और इसको पालन करना भी शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पे जितने भी जोन्स और डिवीजन है सबको, जितने भी डिवीजन है यहाँ पे उसको यहाँ पे रेफरेंस लेटर लेके भेजा है डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर्स फॉर लेवल वन पोस्ट फ्रॉम रेलवे ऑन वन रेलवे टू एनदर। इसके बाद रेफरेंस नंबर ए लिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर है और जिसमें क्या क्या बोला गया है, टू इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहां पे मैंने बताया आपको कि एक तरह से
सारा कुछ डिटेल से जो कि देना है कि अगर कहीं पे पैनल ज्यादा हो चुका है और ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं तो उसका पूरा ब्यौरा, और कहीं पे यहाँ पे शॉर्टफॉल है, वैकेंसी ज्यादा क्रिएट हो चुकी है और इसके बाद यहाँ पे उतने कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका ब्यौरा यहाँ पे देना है। तो इसी के ऊपर काम यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। मैटर इज मोस्ट अर्जेंट, बहुत जरूरी मैटर है। द इन्फॉर्मेशन हैज टू बी फर्निश्ड इनवेरियबली ऑन और बिफोर 23/8/2023 सो एज टू अप्राइज रेलवे बोर्ड विथ अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर SWR डिवीजन यूनिट। और 23/8/2023 तक यानी कल ही का लास्ट डेट दिया गया है, इस डेट तक यहां पे सारा का सारा जो है डिटेल्स भर के भेज देना है। और सभी जोन जितने भी 16 RRC जोन है फ्रेंड्स, सभी जोन को ही इस तरह से डिटेल भर के देना होगा। हेड क्वार्टर ऑफिस है यहां पे सारा कुछ साइन करवा के, अप्रूवल फॉर DRM CMW CWMs कंसर्न्ड हैज टू बी ऑब्टेन्ड। इट इज आल्सो एडवाइज्ड द सिमिलर इंफॉर्मेशन हैज टू बी अपलोडेड इन द अपडेटेड इन द गूगल शीट। और गूगल शीट में भी ये चीजें हैं जो कि यहाँ पे लिंक दिया गया है, इसमें इनको अपडेट यहाँ पे करना होगा। तो एक तरह से काफी अच्छी अपडेट आप लोग के लिए है। अब इसका इंपॉर्टेंस हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट, खास करके देखिए कई जोन में हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट पे दोस्तों यहाँ पे काफी सारे कैंडिडेट है जो कि परेशान है, जिनको ज्वाइनिंग अभी नहीं दी जा रही है। कई जोन में यहाँ पे असिस्टेंट बॉक्सों वाली पोस्ट है, उसको यहाँ पे दोस्तों ये लोग सरेंडर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और नोटिस भी आपको मैंने दिखाया था। कई जोन में यहाँ पे पैनल तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक 3 से 4 महीना हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं छात्र को मिल चुका है। बोले जा रहे हैं कि हमारे पास सीट खाली नहीं है, सीट खाली होगी तभी हम लोग ज्वाइनिंग देंगे। कई जगह पे दोस्तों रोजगार मेला के तहत 2-3 महीने पहले इनको ईमेल किए गए थे, आज तक यहां पे कोई ज्वाइनिंग लेटर और कुछ भी अपडेट यहां पे नहीं दिए गए, जबकि बोला गया था 1 वीक के अंदर अंदर फिर रोजगार मेला के दिन शाम तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत दिक्कत क्रिएट कर रही है। छात्र भी असमंजस में है कि आखिर इतना पेपर निकाल के हर कुछ करके 5 साल इंतजार में मैंने किया, तो आखिर सब चीज मेरा क्लियर है तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। इसको यहां पे सीरियसली लिया है रेलवे ने और यहां पे सारा कुछ इस तरह से डायवर्जन के लिए अपडेटेड कर दिया है। अब डाइवर्जन मतलब समझिएगा क्या होता है, यहां पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद जोन है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 सीटें वैकेंट है। अपने जोन का पूरा क्लियर करने के बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 सीटें वैकेंट है। वहीं एक दूसरा जोन मानते हैं, मान लेते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन है और यहाँ पे एक्सेस पैनल आ चुके हैं, यानी कि सभी छात्र को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, बोल रहे हैं कि हमारे पास सीट नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, इस तरह से करके। तो क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी एक्सेस पैनल है जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 100 सीट NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद जोन में खाली है यहाँ से डाइवर्जन कर देंगे, यानी कि इस जोन वाले साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन के छात्र हैं इनको यहाँ पे डाइवर्ज करके दोस्तों NCR अलाहाबाद में भेज दिया जाएगा। और अगर जो छात्र यहाँ पे चाहेंगे कि हम लोग साउथ वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म भरे हैं लेकिन कहीं पे जॉब लग जाए, यही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, चाहे NCR में चाहे किसी जोन में, तो ऐसे केस में वो जा सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद जोन में और वहां पे एक सीट कंफर्म करके वहां पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वही कोई भी जोन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन में कुछ सीटें खाली रह गई हैं, इनके लोगों को पूरा कंप्लीट कराने के बाद वो सीटें खाली रह गई हैं, तो क्या होगा कि दूसरे जोन में जहां पे एक्सेस पैनल है वो चाहे तो अपने अपने कैंडिडेट को यहां पे भेज सकते हैं ऑप्शन के तौर पे, और जिनको 4-5 जोन में अगर खाली है तो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं छात्र कि मुझे किस जोन में जाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि जॉब मेरी लग जानी चाहिए, ना से अच्छा है कि किसी किसी जोन में हमें भेज के जॉब लगा देनी चाहिए रेलवे को। तो यही चीज है फ्रेंड्स कि डायवर्जन का यहां पे ऑर्डर मिल चुका है, जो कि अच्छी बात है। अब RRC ग्रुप डी में भी किसी भी छात्र को ऐसा नहीं होगा कि यहां पे उनके पैनल में नाम आ जाएंगे और उनको हटा दिया जाएगा या फिर जॉब नहीं लेंगे। अब जहां पे भी सीटें खाली रहेगी एक्सेस अमाउंट में, वहां पे दोस्तों डाइवर्ज करके उस जोन में आपको भेज दिया जाएगा, और इसके रिगार्डिंग नोटिस आपको बाद में मिल जाएगी। तो यही पूरा डिटेल है, ब्यौरा है, जो कि यहां पे वैकेंसी की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आज मांग ली है सारे रेलवे जोन से। तो सारा अपडेट आने दीजिए और भी आपको अपडेट करूंगा। बाकी एक अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि सर 4 महीने से हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, पैनल में नाम है, ये बोला जा रहा है कि वैकेंसी नहीं है तो ये नहीं है, लेकिन अब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा इस नोटिस के तहत और इस ऑर्डर के आने के बाद। तो ये रही अपडेट, इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।